Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूँ। देखिए अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या, कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए या उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। कोविड के मारे मुंबई और महाराष्ट्र के लोग बेचारे, उन्हें भले अपने धार्मिक स्थल खोलने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा हो, लेकिन दिल्ली में 8 जून से सभी बड़े धार्मिक स्थल खुल गए हैं। इक्का दुक्का कुछ बड़े धाम को छोड़कर, जिसमें मरघट वाले हनुमान जी का मंदिर जुलाई में खुला, बाकी झंडे वाला मंदिर हो या कनॉट प्लेस का ये प्राचीन हनुमान मंदिर, ऐसे तमाम धार्मिक स्थल 8 जून से ही खुल चुके हैं। और मंगलवार का दिन है, यहाँ लोगों के भक्तों की कतार लगी है सुबह से। हम बात कर रहे हैं, महंत विकास शर्मा यहाँ हमारे संग है, और इनसे हम बात करते हैं कि कैसे, क्या क्या टेक्निक, क्या क्या एहतियात करके यहाँ मंदिर में दर्शनों की सुविधा श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई गई है और अभी क्या स्थिति है। जय श्री सीताराम। मैं महंत विकास शर्मा प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस से आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि देखिए, महाराष्ट्र सरकार के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन दिल्ली सरकार में, भारत में अन्य सभी तीर्थ पूर्ण रूप से खुल चुके हैं, चाहे वो चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हो, हर की पौड़ी हरिद्वार हो, अन्य कई तीर्थ स्थान खुले हुए हैं। पता नहीं किस कारण से महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र के हिंदुओं को भगवानों के दर्शन करने नहीं दे रही, वो खुद ही जाने कि वो कारण क्या है। और जिस प्रकार अन्य मंदिरों में आप जाएंगे और देखेंगे तो पूर्ण रूप से व्यवस्था है। इस मंदिर के हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर ट्रस्ट पूर्ण रूप से सक्षम रहा मंदिर के मैनेजमेंट के लिए, कोविड के समय में भी और कोविड के लॉकडाउन ओपन होने पर भी। आज के समय मंदिर को अंदर का जो व्यवस्था है वो हनुमान मंदिर ट्रस्ट चलाती है, सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि सब व्यवस्थाएं हैं, लोग मास्क लगा करके ही लाइन से ही मंदिर में जाते हैं। आपसे बात करते हुए थोड़ा एक चक्कर भी लगा लें, तो इसमें मंदिर में दर्शनार्थियों में अब ये तो इनको देखना है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन करें। फिलहाल जब भक्त दर्शन के लिए जाते हैं तो शायद सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर उतना ख्याल नहीं रहता। देखिए यहाँ सैनिटाइजर भी है और ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप मंदिर के मुख्य द्वार पर हैं इस समय, ये मंदिर में जाने वाली श्रृंखला लाइन है, इस लाइन में से पहले इस टनल से होकर के जाता है थोड़ा सा आगे सबको, ठीक है। अब तो टनल बंद कर दिए गए हैं क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने, नहीं सैनिटाइजर टनल अभी भी मंदिर के आगे है, इसके आगे प्रसाद का एक एक्स्ट्रा टनल भी है हमारे पास, जिसमें से प्रसाद भी सैनिटाइज होकर के जाया करता था। हाँ जी, और ऊपर पेडेस्टल सैनिटाइजर आदि सब व्यवस्थाएं, और आप सब लोगों को मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ देख रहे हैं। केवल महाराष्ट्र में ही ऐसा क्यों है हमारे को नहीं पता कि महाराष्ट्र सरकार हिंदुओं को हिंदुओं के मंदिरों से जाने में क्यों रोक रही है, जब अन्य धर्म क्षेत्र खोल दिए गए हैं, शराब की दुकानें खुली हैं, जब शराबालय खुले हैं तो देवालय भी खोल देने चाहिए महाराष्ट्र सरकार से, ये मेरी प्रार्थना है। बाकी सारे मंदिरों में दिल्ली के और एनसीआर के तमाम मंदिर खुले हैं, लोग दर्शनों के लिए आ रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कोविड से पहले वाला समय नहीं है, लोगों को एहतियात के साथ आना पड़ता है। यहाँ सब लोगों ने मास्क लगाए हैं, अंदर सैनिटाइजर है, लोग प्रसाद, पुजारी प्रसाद नहीं चढ़ाते, शायद लोग खुद ही अपना हनुमान जी को अर्पित करते। सब चीजें पूर्ण रूप से व्यवस्थित हैं, हिंदू धर्म और हिंदू धर्म में सनातनी लोग पूर्ण रूप से व्यवस्थित हैं, कोविड में अपना खुद ख्याल रख रहे हैं, खुद मंदिर आ रहे हैं। पहले जहां पुजारी प्रसाद लगाते थे अब वो लोग स्वयं खुद लगा लेते हैं वो, और इस तरह की आदि कई धार्मिक व्यवस्थाएं लोग अपने अनुसार चला रहे हैं। आप धर्म को थोड़ी बंद कर सकते हैं किसी भी रूप में। लगभग 200 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आज अक्षरधाम मंदिर को दिल्ली में खोल दिया गया है, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि श्रद्धालु यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए अंदर जा रहे हैं। खास तौर से जो मंदिर प्रशासन है उसने तैयारियां की हैं कि किसी भी तरह से कोरोना जो है वो स्प्रेड ना हो अगर यहाँ पर लोग अंदर ज्यादा संख्या में भी आते हैं, क्योंकि कोरोना से पहले लगभग हर रोज 15,000 लोग जो थे वो अक्षरधाम मंदिर में आते थे। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि भले ही 15,000 लोग हर रोज यहाँ नहीं आए, लेकिन कई हजार लोग देश के अलग अलग कोने से अक्षरधाम मंदिर में जरूर आएंगे। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर कि यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी आपकी अगर आपको अंदर आना है तो, और इसके टेम्परेचर चेक होने के बाद सैनिटाइजेशन जो है वो होगा और उसके बाद फिर आप अंदर जा सकते हैं, यानी कि कोरोना से बचाव भी रखना है अगर आपको मंदिर में अंदर प्रवेश करना है। लेकिन खास तौर से इस
मंदिर को खोलते वक्त कुछ और चीजों का ध्यान भी खास तौर पर रखा गया है, जैसे कि अंदर का जो कैफेटेरिया है उसको बंद रखा गया है, जो प्रदर्शनी है वो फिलहाल अभी शुरू नहीं की गई है जिससे कि संक्रमण का खतरा कोरोना का और ना हो। इसके अलावा अभिषेक मंडप जो है उसको बंद रखा गया है, तो ये सभी व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि कोरोना के मामले ना बढ़े और ये सुनिश्चित हो सके कि जो लोग भी यहाँ से आ रहे हैं वो सेफली वापस जा सके। कुछ श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करते हैं। आप इतने लंबे इंतजार के बाद आज खुला है, तो ऐसे में कितना एक्साइटेड है आज यहाँ मंदिर आके? बहुत एक्साइटेड। कोई खतरा तो नहीं लग रहा कोरोना का? कुछ नहीं, कोई डर तो नहीं है कि भाई कुछ कोरोना वगैरह ना हो जाए? कोरोना वगैरह कुछ नहीं। दिल्ली में जैसे केसेस बढ़ रहे हैं? केसेस बढ़ते हैं तो बढ़ने दीजिए, लेकिन हमारी सेफ्टी हमको देखना पड़ेगा ना। सेफ्टी के साथ दर्शन के लिए आ रहे हैं ज्यादातर दर्शक। श्रद्धालुओं से जिनसे भी बात की हमने, उनका यही कहना था कि सेफ्टी के पूरे इंतजाम यहाँ पर भी है और वो भी प्रिकॉशन ले रहे हैं और उसके बाद ही यहाँ से जो है वो दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर खोल दिया गया है और दिल्ली के साथ साथ अलग अलग और इलाकों से भी श्रद्धालु यहाँ पर मंदिर के दर्शन के लिए पहुँचने शुरू हो गए हैं।